नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हमारे बीच हैं पंडित आशीष कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो लगातार कई वर्षों से कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो बाल्यावस्था से ही धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए थे। उनकी धार्मिक अभिरुचि जन्म से ही थी और लगातार धार्मिक कोई आयोजन आसपास होता था तो वो लगातार उन आयोजनों में सम्मिलित होते थे और वर्तमान में वो एक अच्छे कथा वाचक के रूप में पूरे देश में स्थापित हो गए हैं। वो मूलतः बढ़ौरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वो वृंदावन में शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं और वहीं उनका आश्रम है। तो आइए सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपके दर्शकों को सभी को मेरा जय श्री कृष्णा राधे राधे, आपको भी जय श्री कृष्णा राधे 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 राधे। आशीष कृष्ण शास्त्री जी, आपकी धार्मिक अभिरुचि कैसे हुई, कब आपके जहन में आया कि मुझे कथा के माध्यम से या धार्मिक कार्यों के माध्यम से धर्म का प्रचार करना है? देखिए, धार्मिक के माध्यम से और धार्मिक कार्यों में हमारी रुचि ऐसे आई कि छोटे से ही हम भगवान की कथा में, भगवान की प्रेरणा से रामायण में, सुंदरकांड में हर जगह जाया करते थे। लेकिन 2000 में हमारे पिताजी ने दो जबलपुर महर्षि आश्रम में भेजा, वहाँ पे हमने शिक्षा दीक्षा लिया और 2013 से लेकर 2016 तक हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। और उसके बाद में हमने मोबाइल में, टीवियों में देखता करता था कि बहुत से ठाकुर जी महाराज हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर महाराज हैं, आपके देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं, कृष्णचंद्र ठाकुर जी, बहुत सारे कथा के प्रवक्ता हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा हुआ कि क्यों ना भगवान की कथा की जाए, और ऐसा मन में हुआ तो हम भी वृंदावन धाम गए और वृंदावन धाम में शिक्षा दीक्षा आरंभ की। जैसे आप वृंदावन धाम गए और आपने बताया कि मेरे पिताजी ने जबलपुर आश्रम में भेजा और वहीं आपने शिक्षा ली, लेकिन आज आप एक परिपक्व कथावाचक के रूप में स्थापित हो गए हैं और कई कथाएं आप इतनी कम उम्र में पूरे देश में कर चुके हैं। एक कथा मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिला है, तो जिस तरह से आप कथा करते हैं तो जो दर्शक होते हैं, है ना, लगातार वो आपसे पूरी कथा में कनेक्ट रहते हैं और उनकी नज़र सिर्फ आप पर रहती है, तो क्या है उसका रहस्य? ये तो देखिए, भगवान की ऐसी कथा है कि ठाकुर जी की कृपा से होती है। गोविंद की जब जिसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है ना, तो उसके ऊपर दर्शक क्या जो भी आएंगे, अगर एक क्षण के लिए कथा सुनने आएंगे ना, तो पूरी कथा सुन के जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा इतनी प्यारी है, भगवान ठाकुर की कथा इतनी प्यारी है और ये दर्शकों का, भक्तों का प्यार है। क्योंकि भगवान की कथा में अगर आप जाएंगे, अगर कथा जम गई है, तो आपको बिगर पूरी कथा सुन के ही आना पड़ेगा। ऐसी गोविंद की मेरी कृपा है, क्योंकि कन्हैया की कथा बहुत प्यारी है और वही सब कुछ है। हम तो कुछ नहीं हैं, हम क्या है, बांसुरी के जैसे हैं। क्योंकि बांसुरी आप जानते हैं कि बांसुरी खोखल होती है अंदर से, उसमें कुछ भी नहीं रहता, पर जब उसमें फूंक मारेंगे तभी वो बजेगी। ठीक उसी तरह बांसुरी की तरह हम भी खाली हैं, मेरा कन्हैया फूंक मारता है और वही भक्तों को सुनाई देती है। हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, जो है सब गोविंद की कृपा से चल रहा है। अगर हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आप बहुत ही साधारण परिवार से हैं और आज आप एक अच्छे कथावाचक के रूप में स्थापित हुए हैं। आपके काफ़ी अनुयायी भी हैं जो लगातार आपका अनुसरण भी करते हैं। तो जैसे आप कथा करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, एक मधुर प्रवक्ता के रूप में आप स्थापित हो चुके हैं, तो लगातार जैसे आपकी कथा हर जगह आयोजित होती है तो कथा में कई प्रसंग आते हैं। हमने देखा है कि कई लोग अपने प्रसंग कहते कहते अगर कोई एक दृष्टांत लेकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी वो दृष्टांत से भटक जाते हैं। तो 3 घंटे की कथा है तो लगातार हम किसी भी दृष्टांत से ना भटके, एक दिशा में कथा हो, तो किस तरह से आप लोग ये पूरा अपना प्रारूप बना के एक व्यास में बैठते हैं?
सबसे पहले क्या होता है देखिए कि शिक्षा दीक्षा बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि जो कथा प्रवक्ता बनते हैं तो ये तो गोविंद की कृपा होती है, भगवान की कृपा से ही होता है। और जो 3 घंटे का प्रवचन आप बोले, तो 3 घंटे के प्रवचन में कितना भी हम मेहनत करते हैं पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और उन्हीं की कृपा से ही, क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम होता कि आखिर व्यासपीठ में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है देखिए कि जो चीज़ हमें याद रहती है वो व्यासपीठ में बैठने के बाद भूल जाती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया की खेल है। और उनकी गोविंद की ऐसी कृपा होती है कि जो भूल जाती है वो भी व्यासपीठ में याद आती है। तो 3 घंटे कथा बोलना ये भागवत जी की ऐसी कथा ही है कि 3 घंटे का कभी कभी 6 घंटे भी हो जाते हैं लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम 6 घंटे व्यासपीठ में बैठे हैं। ऐसी भगवान की कृपा है और ये गोविंद की कृपा से ही हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो बोल पाते हैं वो बोल पाते हैं। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आनंद हर व्यक्ति का एक विशेष चुनाव होता है। आप राम कथा भी कहते हैं और श्रीमद् भागवत भी कथा का भागवत कथा कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको आनंद भागवत कथा करने में आता है या राम कथा करने में? देखिए भागवत जी में ही लिखा है और इसको करीब करीब 90% सब लोग जानते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर हैं उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। तो राम कथा भागवत कथा में, क्योंकि राम कथा क्या है, हमको जीना सिखाती है कि आखिर हमको कैसा रहना चाहिए। क्योंकि राम जी ने जो जीवन में गाया है उसी को भगवान कृष्ण ने किया है। राम जी ने जो गाया है उसी को भगवान कृष्ण ने किया है। तो हमको तो खैर अभी राम कथा हम सुनते भी हैं, प्रेम भूषण जी महाराज की कथा सुनते हैं, तो हमको बोलने से ज़्यादा सुनने में भी आनंद आता है। क्योंकि पहले श्रोता बनना पड़ता है फिर वक्ता बनना पड़ता है। हाँ, तो राम कथा तो इतनी आनंदित कथा है, इतनी आनंदित कथा है कि अगर आप आनंद से सुनेंगे ना तो राम कथा आपको लगेगा कि हर, मतलब कभी बगैर कथा के जाए ही ना दिन, हर दिन आपको कथा प्यारी लगेगी। और भागवत की कथा तो ऐसी है कि भागवत की कथा में लोग झूमते रहते हैं और राम जी की मेरी कैसी कथा है कि रुलाती भी है हंसाती भी है, हर व्यक्ति को जीना सिखाती है कि आखिर राम कथा में है क्या। ऐसी राम कथा है, राम कथा तो और आनंदित है, लेकिन कृष्ण की कथा जो है ना वो तो झूम दिया, बिल्कुल झूम जाते हैं भक्त। कृष्ण कथा राम कथा में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, कितना अंतर है अभी बोले ना आपको कि राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। तो राम कथा में तो हमको आनंद आता ही है लेकिन उससे कई ज़्यादा हमें कृष्ण की कथा में भी आनंद आता है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी कथाएं पूरे देश में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं आयोजन होता रहता है, लेकिन जब आपका खाली समय रहता है तो कोई एक आपका स्थान होगा, एक आश्रम होगा जहाँ आप खाली समय बिताते हैं। खाली समय तो हमारा ठाकुर जी की नगरी वृंदावन धाम में होता है। खाली समय हम वहीं बिताते हैं, वृंदावन धाम में कमरा ले हुए हैं। लेकिन एक संकल्प है कि एक छोटा सा आश्रम, जैसे भी ठाकुर जी की मर्जी हो, लेकिन संकल्प यही है कि वृंदावन में छोटा सा आश्रम बड़ा सा आश्रम जैसी भगवान की मर्जी होगी बनाने का है। अभी फ्री हाल रूम लेके वृंदावन में ही रहते हैं और वृंदावन में ही खाली समय व्यतीत होता है, शिक्षा दीक्षा कुछ न कुछ चलती रहती है। हर व्यक्ति चाहे वो धर्म से जुड़ा हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है और उसके मन में एक विचार चलता रहता है और उसके मन ही मन एक अंतर संघर्ष होता है कि अगर हम धर्म के क्षेत्र में हैं या किसी और क्षेत्र में हैं तो वो एक लक्ष्य साध कर रखता है कि हमें उस ऊंचाई तक जाना है। तो आपने भी कोई लक्ष्य साध के रखा है कि धर्म के क्षेत्र में हमें शिखर में जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, किस तरह से धर्म का प्रचार करना है, किस तरह से कई आश्रमों का निर्माण करना है या हमें कोई यज्ञ कराना है, तो आपने भी कोई एक परिकल्पना अपने मन में बनाई होगी? हमारा तो संकल्प देखिए शुरू से ही है और अभी भी यही है कि कहीं ना कहीं भगवान का हरि का गुण चलना चाहिए, भगवान की कथा चलनी चाहिए। दूसरी है
कि आज के डेट में बहुत सारी माताएं ऐसे हैं जो बेटे घर से निकाल दिए हैं। तो मैं परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनकी कथा देखता हूँ तो मेरे आँखों में आंसू झर जाते हैं कि आखिर वो माँ आखिर घर से क्यों निकली हैं। तो उन माँओं के लिए मुझे वृद्धाश्रम बनाना है, ये मेरा संकल्प है। अब गोविंद की मर्जी कब तक पूर्ण करते हैं उसको हम नहीं जानते। और गायों की सेवा, आज गायों की कितनी दुर्गति है, आज आप विंध्य क्षेत्र में देखिए, पूरे देश में देखिए, गायों की बहुत दुर्दशा है। तो एक सुंदर सा गौशाला भी बनाने का मेरा संकल्प है। कब तक होगा वो गौ माता जाने, गोविंद जाने, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि गायों की सेवा और वृद्धों की सेवा, वृद्धाश्रम करना है, क्योंकि सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा अगर करेंगे वही हमारा धर्म है। जैसा कि अभी हमारी बात पंडित आचार्य कृष्ण शास्त्री जी महाराज से हुई, जो लगातार कई वर्षों से कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बढ़ौरा नाथ धाम हो, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ इनकी कथाएं हो चुकी हैं, और लगातार इनका कार्यक्रम देश के कोने कोने पर होता रहता है। और इनका उद्देश्य है कि कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार करना है पूरे देश में, और गौ सेवा करनी है, क्योंकि गौ माता की जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, उनको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, सड़कों पर आवारा पशु की तरह घूम रही हैं, चाहे वाहनों की चपेट में आ रही हैं, उनकी दर्दनाक मौतें हो रही हैं, तो जिस तरह से उनकी दुर्दशा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में उनके प्रति स्नेह है और एक आत्मग्लान भी है उनकी दुर्दशा देखकर। तो उनका उद्देश्य है कि एक अच्छी गौशाला का निर्माण हो मेरे द्वारा। वहीं उन्होंने कहा है कि आजकल के कलयुगी संतान जिस तरह से माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं और बुढ़ापे में उनको दरकिनार कर देते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा वृद्धा आश्रम का निर्माण हो मेरे माध्यम से। तो उनके ऐसे कई प्रकल्प हैं, ईश्वर करें कि वो अपने उद्देश्य में सफल हों, और हम भी चाहेंगे कि वो लगातार जो उन्होंने मन में एक संकल्प साध के रखा है उसकी पूर्ति हो। हम समय समय पर उनसे बात करते रहेंगे और उनकी जो भी योजनाएं हैं आपके सामने लाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, हम आगे किसी और के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।